सर पी ब्लॉक मॉड्यूल के डाउट्स। वो नेक्स्ट पे कर लेते हैं। सबने कर लिया क्या पी ब्लॉक? हाँ, हाँ सर, इस बैच में हाँ कितने सर, हो गया है? पूरा नहीं हुआ सर, पूरा नहीं हुआ तो कितना हुआ है? केवल जीरो ग्रुप हो। तो जीरो ग्रुप हुआ है। कल तो आपने बोला था तो चालू किया मैंने अभी। बोला जीरो से स्टार्ट करना है, पीछे की तरफ जाना, पर ये नहीं बोला कि सिर्फ एक ग्रुप करना है। मैंने फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए बोला है। तो आपने अगर बोला वो जीरो ग्रुप से चालू करके ऊपर जाएंगे, तो वो जीरो ग्रुप से चालू किया मैंने। एक ग्रुप अगर तुम करोगे एक एक दिन में तो खत्म ही नहीं होगा। आज पूरा हो जाएगा ना सर, कल जीरो ग्रुप हो गया, आज पूरा हो जाएगा। ठीक ठीक है, आप लोग पहले पूरा कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस कर लेंगे वो भी। अरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फर्स्ट टॉपिक है।
आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक है ना, वो एडिशन वो वाला। हाँ जी, ओके। नया चैप्टर है सर। नहीं, नया चैप्टर कहाँ है? ये तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ओके। थोड़ा हेडिंग बताना ना, मैं ऊपर वाला हाँ, हेडिंग। सर हेडिंग हो गया सबका? हाँ लिख के तो हो गया सर, पहले हेडिंग बताओ ना यस सर। सर, नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। पहले लिख लो, सब बता देंगे। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? हाँ, पार्शियल या डिफरेंट प्रॉपर्टीज देना। डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मिक्स हाँ सर, हो हो गया। गया। हाँ सर, चलो देखो,
एडिशन और मॉलिक्यूलर सॉल्ट हेडिंग थी। ठीक है, क्या मतलब होता है इस बात का कि अगर हम कभी एक से ज्यादा सॉल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि आप एडिशन ऑफ टू मोर देन टू सॉल्ट्स कर रहे हो इसलिए एडिशन बोला गया है, और उनसे बनने वाला एक मॉलिक्यूल होता है, दैट्स व्हाई कॉल मॉलिक्यूलर सॉल्ट आल्सो। हमने KCl और MgCl2 लिया वाटर के साथ और क्रिस्टलाइन किया। आप देख रहे हैं जो सॉल्ट मिल रहा है आपको उसमें दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है, दिख रहा है आपको KCl MgCl2 हाइड्रेटेड, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। तो आप आइडेंटिफिकेशन भी समझते चलिए। अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन के साथ कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन किया तो ये मिलता है CSO4.4NH3, बट दिस इज नॉट ट्रू एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस कैसा है? ऐसा, ये भी आप सीखेंगे कि ऐसा कैसे हो जाता है, बट अभी डिफरेंस समझ लीजिए। रिएक्शन ऑफ NH3 में सिखवाया था ऐसा कुछ? हाँ जी, रिएक्शन ऑफ NH3 में ऐसा ही सेम रिएक्शन? नहीं नहीं, कुछ और था, वो अलग है। ये डबल सॉल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अब डिफरेंस जरा समझ लीजिए, और डिफरेंस के लिए मुझे एक्चुअली और लिखना था, जगह नहीं थी, तो मैं इधर लेफ्ट और राइट में लिख रहा हूँ, आप जरा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा जो डबल सॉल्ट है, आप इस पॉइंट्स को नीचे ही लिखिएगा उसके। अगर इसे हम एक्वेस सॉल्यूशन में डाल देते हैं, यानी वाटर में डाल देते हैं, आप देख पा रहे हैं लेफ्ट पे जो सॉल्ट था डबल सॉल्ट, जब हमने उसमें पानी में डाला तो इट गिव्स डिफरेंट आयंस। कौन कौन से? पोटेशियम दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया, क्लोराइड दे दिया। तो मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा था? एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट ओनली, सॉलिड में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर आप इसे सोल्यूशन में डालते हैं तो इट कम्प्लीटली आयोनाइज। समझ में आ रहा है पॉइंट? यस सर, यस सर। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ आयंस। प्रॉपर्टी का जो सॉल्ट का प्रॉपर्टी है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके आयंस क्यों कौन से हैं। तो देखो पोटेशियम यहाँ है तो पोटेशियम वाली प्रॉपर्टी मिलेगी, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम वाली प्रॉपर्टी मिलेगी, Cl है तो Cl वाली प्रॉपर्टी मिलेगी। ऐसे केस में अगर अभी किसी सॉल्ट को आपको टेस्ट करना है तो यू कैन टेस्ट पोटेशियम बिकॉज आयनाइज हो रहा है, यू कैन टेस्ट Cl क्योंकि आयनाइज हो रहा है, यू कैन टेस्ट मैग्नीशियम क्योंकि आयनाइज हो रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट आयनाइजेशन है। ऐसे केस में क्या होगा, अगर कंडक्टिविटी की बात की जाए तो कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? गुड कंडक्टर। गुड क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 100% आयनाइज होती है। अब इसके पैरेलली जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिखा है उसे जरा कंपेयर करते हैं। सॉलिड में तो एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जब सॉल्यूशन यानी हमने वाटर में डाल दिया, आप जरा ध्यान से नोटिस करिए इसको, ये क्या हुआ, इसने अपने एग्जिस्टेंस को चेंज ही नहीं किया, दिख रहा है सर? पर आयनाइज हुआ ना सर। मैं जो बता रहा हूँ वो सुनोगे कि मुझे बताओगे? ठीक है, तो अगर आप आयनाइजेशन की बात समझना है थोड़ा ठंड रखिए। इन कंपैरिजन टू डबल सॉल्ट अगर आप देखें तो डबल सॉल्ट ने अपनी प्रॉपर्टीज को कैसे कर दिया है, पूरी तरीके से इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर दिया है, बट यहाँ पे क्या है, ये अपने एग्जिस्टेंस को पूरी तरीके से लूज नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इट इज स्टेबल इन बोथ। अब सेकंड पॉइंट है, इट पार्शियली आयनाइज। आप आयनाइजेशन चेक कर लीजिए, ये 100% आयनाइज था और ये पार्शियली आयनाइज था, ब्रैकेट के बाहर जो है वही फ्री हुआ है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा था डिफरेंट प्रॉपर्टी देन आयंस। यहाँ पे हम कहते थे सॉल्ट की प्रॉपर्टी आयन डिसाइड करेगा, जबकि कॉम्प्लेक्स में आप देखिए यहाँ पर अमोनिया प्रेजेंट है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अमोनिया का हम ले सकते हैं। एक बेसिक रूल होता है कि अगर किसी कंपाउंड में अमोनिया है तो उसमें अमोनिया वाली स्मेल जरूर आनी चाहिए कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर, सर। हम इस सॉल्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा? यस सर। लेकिन नहीं आती है, नहीं आती। अब नहीं आ रही है तो कोई तो रीजन होगा, वो रीजन तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये पॉइंट जरा समझ ले। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट जो है डिफरेंट देन आयंस,
या उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उससे प्रॉपर्टी उसकी क्या होगी, अलग होगी। समझा कि नहीं? फिर जैसे लेफ्ट पे डबल सॉल्ट में हमने बोला इट गिव्स टेस्ट फॉर ऑल आयंस, यू कैन टेस्ट पोटेशियम, यू कैन टेस्ट मैग्नीशियम, यू कैन टेस्ट क्लोराइड, बट आप यहाँ पे किसे टेस्ट कर सकते हो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में? जो ब्रैकेट के बाहर होगा तो कंडक्टिविटी तो भाई पहले से पता है कि आयनाइजेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा, तो ये कैसे होते हैं वो है। भाई पुअर कंडक्टर। समझा ये बात, जो पॉइंट्स लिखे हैं वो समझे कि नहीं? हाँ सर। एक मिनट ना, स्क्रॉल मत करना। हाँ, एग्जांपल कॉपी कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का थर्ड पॉइंट एक बार एक्सप्लेन करेंगे वापस से। मैंने कहा प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट जो है वो आयन से अलग होती है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपके पास जो सॉल्ट में प्रेजेंट है अमोनिया, तो अमोनिया वाली स्मेल हम एक्सपेक्ट करते हैं पर सॉल्ट से तो नहीं आ रही, तो सॉल्ट की प्रॉपर्टी और उसके इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी अलग अलग। ओके। हो गया कॉपी? यस सर। देखिए जरा डबल सॉल्ट का बहुत थोड़ा सा पार्ट है, समझ लें। ये तीन कॉमन एग्जांपल्स हैं जिनके कॉमन नेम लिखे, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो देख लीजिए। बहुत सिंपल है। पहला सॉल्ट जिसे कार्नेलाइट बोले, KCl, पोटेशियम क्लोराइड,
ये लिखना है, फिर डैश लगाना है, मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर वाटर को हाइड्रेट, ये लिखा, देन ब्रैकेट और रेशियो ऑफ ऑल, दैट्स इट। समझ आया आपको? क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। अगले सॉल्ट्स भी आपको ऐसे ही करने हैं। मोर सॉल्ट का नाम क्या बनेगा बताइए? बताइए भाई। फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, हाइड्रेट, हाइड्रेट, हाँ करेक्ट। कॉपी करिए और सॉल्ट के नाम लिख दीजिए। बनाया भाई सबने? यस सर। क्लियर है आपको? क्या लग रहा है, ये बहुत इजी है या डिफिकल्ट है? ये नॉमेनक्लेचर इजी है, इजी है। ये डिफिकल्ट तब हो जाएगा जब आपको फॉर्मूला नहीं नाम दिया होगा और वैसे ही पूछा जाता है, मतलब समझे आप? आपसे पूछा जाएगा कि कार्नेलाइट का नाम बता दीजिए आप, तो आप ये तभी बता पाएंगे जब आपको फॉर्मूला आता होगा। जब फॉर्मूला आता होगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपसे मोर सॉल्ट बोल दिया और नाम पूछा तो डिफिकल्ट है। पोटेशियम बोल के करेंगे तो डिफिकल्ट है, वरना इजी। कॉपी कर लीजिए, डबल सॉल्ट का इतना ही पार्ट करना था। अब आगे हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पर आ रहे हैं और उसके इंट्रोडक्शन पे।
सर एक मिनट, फर्स्ट वाला सॉल्व दिखाऊं, डबल सॉल्व, नेटवर्क प्रॉब्लम था, रहने दो नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी देर। सी सॉल्ट में इतनी चीजें होती हैं, बड़ा सा जो ब्रैकेट दिख रहा है, दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसे शॉर्ट में हम सीएस लिखते हैं। ब्रैकेट के अंदर मेटल है जिसे सेंट्रल एटम बोलते हैं, सीएस से लिखते हैं। उसके बाद जो है दैट इज कॉल्ड लिगेंड, LIGAND, LIG से लिखते हैं। जो नंबर लिखा है इसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, CN। और ब्रैकेट के बाहर जो आयन लिखा है दैट इज कॉल्ड आयनोस्फीयर, IS से लिखते हैं, इसे फ्री आयन भी बोलते हैं। क्लियर है? अब हर एक के बारे में हमको डिटेल में स्टडी करनी है। लिखो भाई किसका नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया, और अभी नेटवर्क को जरा होल्ड करके रखो थोड़ा। कॉर्ड स्पीयर कौन सा वाला है, मतलब हो गया? यस सर, डन। एक सेकंड। सर कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर 4 दोनों है भाई, जरा ध्यान से देखें। जब नंबर बोलेंगे तो नंबर होगा, और कोऑर्डिनेशन पे जब बता रहे थे तो बोला था ब्रैकेट को बोलते हैं। तो करने से पहले इतना प्रॉब्लम आने लगा तो कैसे चैप्टर सीखोगे, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इसीलिए बोल रहे हैं आप ध्यान से सुनो, और आप अगर कोई ध्यान से नहीं सुनेगा ना तो मैं सीरियसली आई एम टेलिंग कि मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप रिकॉर्डिंग का फिर वेट करिएगा। हो गया ये? हाँ सर।
देखिए मैं जरा आपको इतनी चीजें बता देता हूँ। सी ए मैंने सेंट्रल एटम को बोला था मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, मैं मोस्टली बोल रहा हूँ ऑलवेज नहीं, ठीक है। कंडीशन क्या है, शुड हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ही कॉम्प्लेक्स बना सकता है वरना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। बिहेव एज लुइस एसिड, ऑलवेज बिहेव एज लुइस एसिड, लुइस एसिड का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो डेफिशिएंट होगा, लुइस एसिड भी बोल सकते हैं। आईएस या आयनोस्फीयर, इट प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अभी इसके बारे में आपने देखा नहीं है, आगे हम इस एग्जांपल में दिखा पाएंगे, ये दोनों तरफ हो सकता है ब्रैकेट के लेफ्ट पे या राइट पे, जहां भी होगा ये आयनाइजेशन और कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आगे हम आपको एग्जाम्पल में दिखा पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है सी एस कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसे इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको दिख रहा है बिग ब्रैकेट। इट इंक्लूड सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स ओनली, इसके अंदर दो ही चीजें होती हैं, और खास बात यह कि कभी अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, आपने देखा था ब्रैकेट के अंदर जो चीजें थी वो आयनाइज नहीं होती हैं, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। फिर आता है सी एन या कोऑर्डिनेशन नंबर, डिफाइन एज द नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स, कितने बॉन्ड्स वो बना, जो भी वो बना रहा है, यहाँ से देखते हैं, पहले तो बहुत स्पेसिफिक होता है, आपके हिसाब से हमारे हिसाब से चेंज नहीं होता, याद करना पड़ता है, मैंने हर आयन के आगे उसका नंबर लिखा है, ठीक है, आप इसे कॉपी कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। सो Ag+ के बाजू में Au+ लिखा है, राइट? हाँ, करेक्ट। ओके। तो इन सब के कोऑर्डिनेशन नंबर याद करने हमको। जी सर। सर Fe2 प्लस 4-6 और Fe2 प्लस / Fe3 प्लस 6 में क्या डिफरेंस है? सर अपने Cu+ के नीचे क्या लिखा है? क्या बोल रहे हैं सर? वो Fe2+ लिखा नहीं चाहिए, Fe2+ / Fe3+ लिखा, तो वो क्या है, समझ नहीं आया। आया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है वो Fe+2 Fe+3 दोनों का भी हो सकता है, Fe+2 का 4 और 6 होता है, 2 और 3 का 6 ही होगा हमेशा, जहां दो नंबर है वहां वेरिएबिलिटी पॉसिबल है, एक ही नंबर है तो फिक्स होगा। सर फर्स्ट लाइन में लास्ट वाला Cu+2 लिखा है। हाँ जी, ठीक है।
सर लिगेंड्स होते क्या है? क्या चीज बोल रहे हैं सर? लिगेंड्स लिगेंड्स पीयूष मैंने पढ़ा दिया क्या लिगेंड्स? अच्छा अभी अभी ज्वाइन किया क्या तुमने? नहीं 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 ऊपर क्या हेडिंग डाली थी मैंने स्टार्ट करने से पहले? हाँ बोला है मैंने कि मैं अभी इंट्रो बता रहा हूं, ठंड रखो। ऐसा लिख के एक मिनट answer
देखिए जरा, लिगेंड्स को लोन पेयर डोनर बोलते हैं, इसके लिए इसको इलेक्ट्रॉन रिच होना कंपलसरी है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसे लुईस बेस भी बोल सकते हैं। इसके बारे में सबसे ज्यादा हमें पढ़ना होता है क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंपाउंड का। क्लासिफिकेशन देखें तो पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। अब देखिए पहला मैंने लिखा है एनायनिक, दूसरा लिखा है न्यूट्रल, तीसरा लिखा है कैटायनिक। तीन कैटेगरीज हैं चार्जेस के बेसिस पे। और यहाँ जो नोटिसेबल पॉइंट है, सबसे ज्यादा एग्जांपल्स किसके लिखे हैं मैंने? एनायनिक। सबसे कम? कैटायनिक। तो सबसे रेयर यूज होगा ये, और ये एनायनिक सबसे कॉमन है। जो रेयर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए। कॉपी करिए फिर मैं आगे करता हूँ। सर वो अपने न्यूट्रल में लास्ट वाला क्या लिखा है? NH2 NH3 प्लस। न्यूट्रल सर, न्यूट्रल। सर CC है क्या कुछ? C6H5। अच्छा C6। NH2 CH2 CH2 डॉट है या क्या वो? सबका हो गया? यस सर। वो NH2 NH3 प्लस है ना कैटायनिक में? हाँ 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 सर, हो गया। ये वाला भी कॉपी मत करिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।
जरा देखिए, कॉपी अभी भी नहीं करिएगा, मुझे बहुत सारा एडिट करना है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, इसका मतलब होता है लोन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी, कितने लोन पेयर वो डोनेट कर रहा है। अगर एक डोनेट करता है तो मोनो, दो डोनेट करता है तो बाई, और दो से ज्यादा करता है तो पॉली। आप देख रहे हो कितने सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। याद रखिएगा, जो सबसे अच्छा डोनर होता है, जनरली कार्बन डोनर अच्छा है, ऑक्सीजन अच्छा डोनर है, नाइट्रोजन अच्छा डोनर, ये तीन हैं जो ज्यादा अच्छे डोनर्स होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डोनर्स हैं। बाइडेंटेट में एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, ये ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सामेट लिखे हुए एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, इतने सारे। इसके अलावा भी बहुत बहुत सारे हो सकते हैं, ये सब याद करने पड़ेंगे आपको। याद हो जाएंगे, ट्राई करेंगे जितना करना पड़ेगा सारा। कुछ भी नहीं होगा, मैं बहुत श्योर हूँ, कुछ भी नहीं होगा, इम्पॉसिबल है ये सब चीजें। ठीक है, मैं भी आपको टेक्निकली बताता हूँ कि कैसे इसे याद रखना है। सर NH2CH2CH2NH2 तो ट्राइडेंटेट में भी है, टेट्रा में भी है, पेंटा सब में, मतलब पॉली में। जी पूछ रहे हो, जो पॉली के एग्जांपल्स है वो सारे सेम ही है। अरे अंकल, अभी मैंने बोला ना मुझे करना है, मौका दो। मतलब बोल रहा था कि याद करना वैसे। ना ना ना, वो टेंशन का पार्ट नहीं देखिए जरा, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि कैसे याद रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ट्रिक जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगा, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आएगा, आपके कान में प्रॉब्लम होगा, आप देख लीजिएगा। दो बेसिक पॉइंट्स को पकड़ के हम सारी चीजों को याद कर सकते हैं। पहला, वन एटम कैन डोनेट वन लोन पेयर ओनली, और दूसरा, इट्स अ चार्ज सेंसिटिव। मैं सारी बातों का मतलब आपको बताता हूँ, मुझे कुछ और एग्जाम्पल भी लिखने हैं ताकि मैं चीजों को वेरीफाई करा पाऊँ। चलो, इस ट्रिक में जो लिखा है उसका मतलब समझ लीजिए कि एक से ज्यादा कभी एक एटम नहीं दे सकता, और दूसरा, चार्ज सेंसिटिव है, मतलब जिसके ऊपर जितना चार्ज दिखे उसको उसकी डेंटिसिटी बोल दो, आपका काम चल जाएगा। चलो जरा चेक करो, एक्स माइनस, सी एन माइनस, एन सी माइनस, एस सी एन माइनस, एन सी एस माइनस, ओ एच माइनस, एन एच टू माइनस, एच माइनस। आपने नोटिस किया एच माइनस तक सारे एग्जाम्पल्स? यस सर, यस सर। ठीक है, मोनोडेंटिक। अब आते हैं न्यूट्रल पे। वाटर तो न्यूट्रल है, तो वाटर में कैसे पता चलेगा? तो हमको याद आना चाहिए कि वाटर में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ। बट एक एटम कितने लोन पेयर दे सकता है? एक, इसलिए मोनोडेंटेट है। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास वन लोन पेयर होता है, हाँ सर, एक दे सकता है। सीओ कार्बन के पास होता है पर एक से ज्यादा दे नहीं सकता, नाइट्रोजन एक से ज्यादा दे नहीं सकता। अब ऑक्सीजन देखो, ये एग्जाम्पल मैंने अभी अभी ऐड किया केवल आपको दिखाने के लिए, इसके ऊपर कितना चार्ज है? -2। तो क्या ये मेरी ट्रिक पर वैलिड है कि नहीं है? नहीं। आंखें खोल के पढ़ें ट्रिक के दोनों स्टेटमेंट्स, एक्सेप्शन है। अरे अंकल, स्टेटमेंट्स पढ़ो। चार्ज सेंसिटिव है पर एक ही लोन दे सकता है ना, एक ही लोन पेयर देगा, एक लोन पेयर। अच्छा, एक ही लोन पेयर दे। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एक से ज्यादा दे ही नहीं सकता, तो चार्ज फिर कुछ कर ही नहीं पाया ना। अच्छा, समझा, समझ में आई ट्रिक? ये ट्रिक है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको मेरी ट्रिक फॉलो करनी है, आपकी मेमोराइजिंग पावर अच्छी है, आप बिल्कुल याद कर ले, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पर आइए, बाइडेंटिट देखते हैं। पहला, चार्ज देख के पता चल रहा है, दूसरा, चार्ज देख के पता चल रहा है, तीसरा, चार्ज देख के पता चल रहा है, चौथे में तो नहीं पता चल रहा चार्ज देख के, तो फिर हमें क्या देखना है, डोनर कौन है? ये देखो, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो बाइडेंटेट समझ में आया आपको? हाँ सर। अच्छा, हाँ सर, समझ गया। दो डोनर होते हैं, दो डोनर हैं। आपको चार्ज वाली ट्रिक नहीं लग रही है, पर एटम दिख रहा है, डोनर एटम नाइट्रोजन होता है। हाँ सर, दो लोन पेयर दे सकते हैं। हाँ, अब यहाँ देखो, दोनों नाइट्रोजन दे सकते हैं, दिखा आपको? यस सर। यस सर। अब आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिएगा,
इसका अपना इस पर्टिकुलर चैप्टर का अपना एक अलग आईयूपीएसी रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम इनके नॉमेनक्लेचर्स करते हैं, वो अभी आगे आएंगे जब इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। उससे पहले क्योंकि एक बहुत बड़ा टास्क है जो वहां पे करने की जगह मैं उसको यहाँ पे कर रहा हूँ, और उस पर जेई ने क्वेश्चन भी पूछा, भी मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा यहाँ पे करने जा रहे हैं। लोग कह रहे थे मैंने एक ही चीज बार बार लिख दी है उन्हें बताने के लिए। इसके आईयूपीएसी में ना इस कंपाउंड को जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है इसको एक नाम दिया है। नाम क्या दिया है? एथिलीन डाई अमाइन। आपको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इस EN से रिप्रेजेंट करते हैं। इस नाम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। नो सर। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसे ये नाम क्यों पड़ा है। ये क्या लिखा हुआ है? इथाइलीन। अब इसका एक बॉन्ड ब्रेक कर दो और दोनों तरफ NH2 लगा दो, समझा? अब इसका नाम क्या हो गया? इथिलीन डायमाइन। क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. जो टर्म यूज किए गए हैं EN या आगे GLY, ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही यूज किए जाएंगे। इनके फुल फॉर्म हम आपको लिखाते हैं। अब कॉपी कर ले सर, पिक्चर बाकी है। अब जरा ध्यान से देखना, नॉमेनक्लेचर बताऊंगा मैं, लिखोगे अपनी लैंग्वेज में आप। हमें ट्राइडेंटेट करना है। ध्यान से देखिए, हमने इस एथिलीन डायमाइन से एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह पे CH2COO- जोड़ दिया। डेंटिसिटी कितनी दिख रही है आपको? हाँ, इसका क्या नाम होना चाहिए? एथिलीन डायमाइन में एक एसीटेट आपने ऐड कर दिया तो एथिलीन डायमाइन मोनो एसीटेट आयन। क्या नाम हुआ इसका? नाम बोलो। एथिलीन डायमाइन मोनो एसीटेट। किसी को कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। अब नेक्स्ट पर आते हैं अपन। एक हाइड्रोजन इधर का और एक हाइड्रोजन इधर का उड़ा दिया और दोनों तरफ एक एक एसीटेट लगा देते हैं। सबसे पहले तो डेंटिसिटी वेरीफाई करो। यस सर, 4 हो जाएगा। अच्छा, आपको ये भी पूछा जाता है कि डोनर एटम कौन सा है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो डोनर एटम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना? नाइट्रोजन। दो नाइट्रोजन। नाम क्या होना चाहिए आपकी बार? बराबर है सर। डाई 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 सर, डाई एसिडेट होएगा। ये लीजिए, डाई हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं। अब की एक तरफ से 3 हाइड्रोजन हटाते हैं और एक तरफ से 1। डेंटिसिटी चेक करें। यस सर। नाम दे दें सर। इथिलीन डायमाइन ट्राइएसिटेट। ट्राइएसिटेट। अच्छा, प्लीज आप ये पूरे नाम लिखिएगा, है ना, क्योंकि आपको तो याद भी रखने हैं। हाँ। लास्ट वाले पे आते हैं। हमने आपकी दोनों तरफ के दोनों हाइड्रोजन उड़ा दिए तो टेट्रा हो जाएगा। नाम बता दें सर। इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। डेंटिसिटी 6 समझ आ रही है? यस सर। लास्ट वाले को EDTA बोलते हैं। आपने भी मॉड्यूल एस ब्लॉक बी ब्लॉक सॉल्व किया होगा तो वहां भी पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ EDTA। आपको ये नाम कभी याद नहीं होगा ना फॉर्मूला याद होगा, लेकिन अभी आप देखिए अगर इस तरीके से आप डिराइव करते हैं तो आपको नाम याद होगा। हाँ, yes, हाँ, आपसे एडवांस में पूछा गया था कि कितने लोन पेयर देता है? 6।
फुल फॉर्म फॉर्मूला बना पाएंगे इसका हम? यस सर। तो अब आप छाप लीजिए। सर बोलिए सर, वो SCN और NCS का जो स्ट्रक्चर एक बार बता सकते हैं क्या डिफरेंस होता है? नहीं नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। बार बार बोल रहे हैं यार, इंट्रो कर रहे हैं, अभी सीखना बाकी है, खत्म हो गया क्या? और तुम NCS और SCN का पूछ रहे हो, बाकी का तुमको आता है क्या? बोलो जरा, बाकी का सब आता है? मुझे मेरे सीक्वेंस में सिखाने दो आप, और अभी आपको जो बताया उसे करो। और वो मोनोडेंटेट में एनओ के पास तो एन के पास भी लोन पेयर और ओ के पास भी लोन पेयर। बिल्कुल, हम उसका भी जवाब अभी आपको मिल जाएगा। आप नहीं पूछेंगे तो भी हम आपको सब चीजें बताएंगे, पर मेरे पास जगह इतनी ही थी जितना मैं लिख पाया हूँ। ओके सर NH2CH2C00- के बाद क्या लिखा है? GLY।
हो गया एसिडेट के बाद आयन लिखा है ना वो भाई हो गया नहीं सर सर एक मिनट।
सर साथ में लिखे या ना लिखे? लिख लीजिए।
देखिए जरा समझ लीजिए, सबसे पहला है फ्लेक्सी डेंटेड, मतलब क्या होता है, बाई से पॉली डेंटेड लेकिन शोज फ्लेक्सिबिलिटी इन डोनेशन, मतलब बाई डेंटेड तो है बट जरूरी नहीं है कि ये हर बार दो लोन पैर दे, ये दो भी दे सकता है और ये एक भी दे सकता है, डिपेंड्स कि सामने वाला को कितनी रिक्वायरमेंट है, अपर लिमिट फिक्स है कि दो है पर जरूरत पड़ने पर वो एक भी दे सकता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास ईडीटीए का है, मैक्सिमम कितना दे सकता है 6, बट इट कैन ऑल्सो बिहेव लाइक 5, इट कैन ऑल्सो बिहेव लाइक 4, इज इट क्लियर? तो जितना ज्यादा दे सकता है उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। मेरे पास 10 रुपए है, मैं 5 भी दे सकता हूँ, मैं 6 भी दे सकता हूँ, यस सर, ठीक है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि सामने वाले को कितना चाहिए, यस सर। नेक्स्ट आते हैं अपन एम्बिडेंटेड पे, ठीक, एम्बिडेंटेड का मतलब फ्यू लिगेंड्स हैव मोर देन वन डोनर एटम, एक से ज्यादा डोनर एटम होता है बट एक बार में एक ही दे सकता है, जैसे अभी कोई मेरे से पूछ रहा था बीच में नाइट्रोजन देगा ऑक्सीजन देगा, तो एक बार में एक ही दे सकता है, ठीक, जो देगा वही बॉन्ड बनाएगा, लाइक सीएनएनसी सबसे अच्छे एग्जांपल है क्योंकि बहुत मिलने वाले हैं हमें, कार्बन नाइट्रोजन दोनों के पास है बट आइदर बाई कार्बन और नाइट्रोजन, दिख रहा है आपको, मतलब प्रेफरेंस किसको दे ज्यादा, मतलब एन को दे या सी को दे, क्या कह रहे हो सबसे ज्यादा, मतलब किसको प्रेफरेंस दे, सी को दे या एन को दे, हमें प्रेफरेंस नहीं देना है, कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा हम उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे, ओके ठीक है। उसके बाद आते हैं चेलेटिंग लिगेंड्स, ये टर्म आपने ऑर्गेनिक में भी सुना होगा, चेलेशन किलेशन करके, बाई टू पॉली डेंटेड लिगेंड शो टेंडेंसी टू फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये सब अभी हम आपको बाद में बना के दिखाने वाले हैं, अभी जो इंट्रो कर रहे हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और जब कभी भी ऐसा होगा तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कर लीजिए कॉपी, कॉपी हो गया, 1 मिनट लास्ट।
डन सर, एक मिनट. जरा ध्यान से देखिएगा, अभी हम इंट्रो में ही आगे हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस. पहला है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, जिसे हम सिंपल एनायनिक बोलते हैं. दूसरा है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, जिसे सिंपल कैटायनिक बोलते हैं. तीसरा है नॉन आयनिक और चौथा है कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स. अब आप एग्जाम्पल से समझना स्टार्ट करिए. हमारे पास ये सॉल्ट था, इसे हमने आयनाइज किया, हमें ये दो चीजें मिल रही हैं. समझ में आ रहे हैं दोनों पार्ट? Yes. अब अगर आप कॉम्प्लेक्स को देखते हो तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. तो दिस इज कॉल्ड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. अब अगर आप इसे देखते हो तो ये क्या है? सिंपल एनायन. तो इसे हम सिंपल एनायनिक सॉल्ट बोलते हैं. लॉजिक समझ में आ रहा है? दूसरे सॉल्ट को आयनाइज किया, दो पार्ट दिख रहा है आपको. कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव. तो इसे हम क्या बोलते हैं? एनायनिक कॉम्प्लेक्स. और कॉम्प्लेक्स के अलावा जो है उसके ऊपर कैटायन, तो सिंपल कैटायनिक सॉल्ट. इज इट क्लियर? तीसरा वाला देखो, NiCO4. ये आयनाइज ही नहीं होता, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन आयनिक सॉल्ट.
और लास्ट वाले में दो दो कोऑर्डिनेशन पेयर है, पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव, इसलिए इसे हम कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप ध्यान से जरा देखें और याद करें, मैंने पीछे जब आपको आयनोस्फीयर पढ़ाया था तो वहां पर आपको क्या बोला था, इट प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, याद आ रहा है? हाँ सर, सर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट। हाँ, लेफ्ट में भी है राइट में भी हो सकता है, दिखा आपको? हाँ सर। फिर आपको बोला था रिस्पॉन्सिबल फॉर आयनाइजेशन एंड कंडक्टिविटी, आपके सामने NiCO4 लिखा हुआ है, इसमें आयनोस्फीयर नहीं है, ये आयनाइज हो रहा है क्या? कंडक्टिविटी होगी क्या? नहीं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, अभी मैं कराऊंगा, अभी बहुत सारे सॉल्ट्स दिए होंगे, आपको पूछेंगे विच वन इज अ पुअरेस्ट कंडक्टर, विच वन इज गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर तो बता देते हैं आयंस देख करके, पर पुअर कंडक्टर हमेशा कौन सा होगा? नॉन आयनिक, आयनोस्फीयर नहीं, नॉन आयनिक, नॉन आयनिक, क्लियर है? करिए कॉपी। सर बोलिए। सर सर कैटायन कैटायनिक एनायनिक एन प्लस है, एन प्लस एन माइनस, तो वो डिसोसिएट होता है कभी एन प्लस एन माइनस में? हाँ भैया, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, सब होगा, एनाइज होगा, उस पर क्वेश्चन भी करेंगे, आइडेंटिफिकेशन भी करना होगा। और मैं बेसिक तो सिखा दूं पहले? ओके सर। बेसिक का मतलब ये होता है कि जब मैं आगे चल करके आपको सिखाऊं और मैं टर्म यूज करूं, ये लिगेंड है, ये बाइडेंटेट है, ये चेलेथिंग है, तो आपको क्लिक करना चाहिए, तब आप मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि ये क्या होता है, इसलिए इंट्रो करा रहे हैं। okay. मैं आगे क्वेश्चन में यूज करूंगा दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो आपको पता याद आना चाहिए कि एनायनिक का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। yes, sir. फोर वेव्स
आंसर Answer. हो गया भाई सबका अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट अभी और भी बाकी है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ठीक है ओके सर अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप सबका मॉड्यूल हो गया सॉल्व तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में डिस्कस करूंगा ये चैप्टर रोक करके नहीं किया आपने तो उसके बाद मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा पी ब्लॉक मॉड्यूल तो फाउंडेशन बिल्डर के इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे अभी तो फाउंडेशन बिल्डर किसका पहले वाले मतलब ग्रुप का ऑल द क्वेश्चंस ऑफ फाउंडेशन बिल्डर फ्रॉम नाइट्रोजन टू जीरो ग्रुप तो दूसरे प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रखा है मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिए हां ठीक है सर सारा हो जाएगा ठीक है ओके गाइस गुड बाय बाय सर थैंक यू सर